नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्फोसिस के क्वार्टर फोर के रिजल्ट के। जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा 2020, उसके क्वार्टर फोर के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके एनालिसिस करेंगे, उसके बेसिस पे हम कल के प्राइस मूवमेंट को भी डिस्कस करेंगे और आगे के टारगेट को भी डिस्कस करेंगे। जो इन्फोसिस का हमारे जो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए, किस लेवल पर आपको बाय करना चाहिए, अगर आप पहले से बाइंग किए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, तो सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम इन्फोसिस के रिजल्ट को जानेंगे कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट कैसा है, वो क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस कैसा है, ईयर टू ईयर बेसिस कैसा है, और आगे आने वाले सिचुएशन को भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ इसके हम फंडामेंटल्स को भी थोड़ा जानेंगे और जो इसका डिविडेंट है, जो डिविडेंट डिक्लेयर किया है इन्फोसिस, और आगे इसका डिविडेंट कैसा रहता है और पीछे कैसा रहा है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल पर जाइए और यहाँ पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज हैं, उसे देखिए और स्टॉक मार्केट को आप सीखिए। तो अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इन्फोसिस क्वार्टर फोर रिजल्ट, प्रॉफिट राइजेस 6% टू इतना करोड़, फर्म सस्पेंड्स गाइडलाइंस। मतलब जो हमारा इन्फोसिस है वो आगे के गाइडलाइंस को सस्पेंड कर दिया है, मतलब आगे के गाइडलाइन को क्लियर नहीं कहा है कि आगे क्या होगा, क्योंकि आप जान रहे अभी जो पैंडमिक सिचुएशन है उसके कारण आगे के गाइडेंस को कोई नहीं बता सकता कि आगे कैसा होगा, सेक्टर कैसा परफॉर्म करेगा, कंपनी कैसा परफॉर्म करेगा, किस तरह का रेवेन्यू होगा। तो जो हमारा आईटी मेजर इन्फोसिस है, मंडे आज हमारा रिपोर्ट किया, 6.1% ईयर टू ईयर बेसिस राइज इन कंसोलिडेटेड प्रॉफिट फॉर मार्च क्वार्टर एट RS 4321 करोड़ कंपेयर्ड विथ 4074 करोड़ इन सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर 2019 था उसके क्वार्टर फोर पे जो इतना करोड़ का प्रॉफिट था, तो उससे अब की बार 6% राइज किया और रिजल्ट कितना आया, 4321 करोड़। तो जो एस्टिमेट था उसको बीट नहीं कर पाया, जो इकोनॉमिक टाइम्स है उसका एस्टिमेट था इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार 4382 करोड़, तो इस एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाया। और रेवेन्यू जो है क्वार्टर का वो रोज़ के कितना से 8% टू 23267 करोड़, इतना क्वार्टर बेसिस पे रेवेन्यू इंक्रीज किया। वही बात करें हम क्वार्टर फोर का रिजल्ट है, ये हमारा पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, तो जो हमारा रिपोर्ट जो है प्रॉफिट का 4321 करोड़ फॉर द क्वार्टर इंडेड मार्च 2020, ए 3.1% डिग्रोथ, मतलब डिग्रोथ मतलब घाटे में चला गया कंपेयर टू द दिसंबर क्वार्टर। जो हमारा दिसंबर क्वार्टर था 2019, मतलब ये हमारा 2020 का जो दिसंबर क्वार्टर था, ये पिछले उसके दिसंबर क्वार्टर कंपेयर में इतना डिग्रेड हो गया, इम्पैक्टेड बाय ए लोअर अदर इनकम, जो लोअर अदर इनकम है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो पिछला क्वार्टर है उसके कंपेयर में हमारा जो प्रॉफिट है वो लेस हुआ है, जो पिछला दिसंबर क्वार्टर है उसके कंपेयर में, वहीं जो ईयर ऑन ईयर बेसिस है उसके कंपेयर में प्रॉफिट क्या क्या है, राइज किया है। आगे कह रहा है इन्फोसिस सेट कंसिडरिंग बिजनेस अनसर्टिटी, जो बिजनेस काफ़ी अनसर्टिटी है क्योंकि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस का प्रभाव जो है वो फॉरेन के सभी कंट्री में है, तो इसका जो बिजनेस है आईटी सेक्टर का, इन्फोसिस का, टीसीएस का, इसका बिजनेस साथ ही साथ इंडिया के साथ साथ फॉरेन में भी है। तो जो USA है उसमें मेजर बिजनेस इसका है, तो यहाँ पर जो USA में है वहाँ पहले से कोरोना वायरस का ज़्यादा इफेक्ट है, तो इस तरह से बिजनेस काफ़ी प्रभावित हुआ और ये बिजनेस का इफेक्ट आपको फर्स्ट क्वार्टर में दिखेगा। जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है उसके फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट पे इसका मेजर इम्पैक्ट दिखेगा। अगर लगातार लॉकडाउन आगे भी बढ़ता है तो आपको जो फाइनेंशियल 2021 का फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट होगा उसका मेजर प्रभाव आपको आईटी इंडस्ट्री पे देखने मिलेगा, साथ ही साथ यूएसए में जो लॉकडाउन है उसका भी खासा असर आपको देखने मिलेगा। तो ये जो इम्पैक्ट है वो आगे आपको फर्स्ट क्वार्टर में बहुत ज़्यादा देखने मिलेगा। वही यहाँ पर भी कह रहा है कि फ्रॉम COVID-19 इट इज़ अनेबल टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन रेवेन्यू एंड मार्जिन्स फॉर फाइनेंशियल 21। कह रहा है जो फाइनेंशियल 21 है उसके रेवेन्यू और मार्जिन्स के लिए कोई गाइडेंस अभी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है इस स्टेज पर, इट विल प्रोवाइड गाइडेंस आफ्टर विजिबिलिटी इम्प्रूव्स। कह रहा है जब इम्प्रूवमेंट दिखेगा इस सिचुएशन में तब हम जो है इसके बारे में कोई गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे।
वहीं कह रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन जो है केम टू इतना परसेंट 21.20% इन क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 20 अगेंस्ट इतना परसेंट इन फाइनेंशियल ईयर 19 क्वार्टर फोर, जो 19 का क्वार्टर फोर था उसके कंपेयर में जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो डिक्रीज हुआ है, घटा है। वहीं आगे कह रहा है सलील पारेख सीईओ एंड एमटी इंफोसिस सेड वी हैड एन एक्सेप्शनल ईयर इन 2020 विथ ग्रोथ ऑफ 9.8% एंड ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ इतना परसेंट। कह रहा है ये बहुत ही एक्सेप्शनल, मतलब एक खास ईयर रहा है जब हम इतना परसेंट का ग्रोथ अचीव किए और इतना परसेंट का ऑपरेटिंग मार्जिन अचीव किए। वाइल द इमीडिएट शॉर्ट टर्म विल बी चैलेंजिंग, जो आगे का शॉर्ट टर्म है वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि जो क्वार्टर वन का रिजल्ट है वो बहुत ही बहुत इम्पैक्ट डालेगा, मतलब उसका उस पर इम्पैक्ट डालेगा कौन, कोविड 19 लॉकडाउन जो कि यूएसए में भी है यहाँ पे भी है। आगे आईटी मेजर आल्सो अनाउंस्ड ए फाइनल डिविडेंड ऑफ 9.50 पर शेयर, रुपीज 9.5 पर शेयर, 9.5 रुपये का पर शेयर डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है इन्फोसिस ने। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी हैड इतना करोड़ कैश ऑन कैश एज ऑन मार्च 31 व्हाइल इट साइंड ए इतना बिलियन ऑफ लार्ज डील इन जनवरी मार्च पीरियड। कह रहा है कंपनी के पास अभी 27,300 करोड़ कैश है, तो समझ सकते हैं इतना लार्ज कैश है, तो इसमें क्या करेगा, कुछ वो आगे जा कर के बायबैक ला सकता है, कुछ कंपनी के ग्रोथ में लगा सकता है, तो बहुत ही लार्ज कैश है इस कंपनी के पास, जो कि इसका स्ट्रेंथ है इन्फोसिस का, टीसीएस का, इसके पास बहुत सारे रिजर्व्स हैं, बहुत सारे कैश है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे बैंक बैलेंस है, तो देखते हैं इतना हजार करोड़ का कैश है कंपनी के पास और इतना बिलियन का लार्ज डील हुआ है जनवरी मार्च पीरियड में। तो अब हम बात करते हैं इसके चार्ट का, मतलब इसके एनालिसिस का बात करते हैं, जो बैलेंस शीट है उसका। तो चलिए हम बैलेंस शीट पे यहाँ आ चुके हैं, तो इसमें इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं 18,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का। अभी 2020 का यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ, जैसे अपडेट होता है तो और आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर डेप्ट देख सकते हैं कंपनी के पास 0 डेप्ट है, कंपनी के पास यहाँ पर देख सकते हैं 0 डेप्ट है। और आगे देख लेते हैं कैश और बैंक बैलेंस, आपको आगे देखने मिल जाएगा। यहाँ पर आते हैं, देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस देख सकते हैं 15,000 करोड़ का, 15,000 करोड़ का कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस है। यहाँ पर बुक वैल्यू देख सकते हैं कंपनी के पास बुक वैल्यू कितना का, 143 करोड़ का। तो यहाँ पर आपने देख लिया कंपनी के पास कैश भी बहुत सारा है, बैंक बैलेंस भी बहुत सारा है। अब हम चलते हैं इसके शेयर पर और इसके चार्ट पर एनालिसिस करते हैं कि आगे क्या प्राइस होगा इसका इन्फोसिस के स्टॉक्स का। तो ये देख सकते हैं ये वो एक साल का चार्ट है, इस पर आप देखें लो प्राइस जो ये बनाया है अपना, ये देखिए यहाँ पर अपना लो बनाया है 23 मार्च को 526 रुपीज का, 526 रुपीज़ का लो बनाया है 23 मार्च को, और उससे अभी आप करेंट प्राइस देख सकते हैं 650 रुपीज़ है। तो जैसे इसमें और करेक्शन आता है, क्योंकि जो इसका रिजल्ट आया है पिछले क्वार्टर के कंपेयर में लेस आया है, पिछला क्वार्टर जो दिसंबर क्वार्टर उसके कंपेयर में लेस आया है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर के कंपेयर में लेस आया है, 3% की कमी है रिजल्ट में जो हमारा प्रॉफिट है उसमें। तो आगे जो शेयर है इसका प्राइस और करेक्शन देखने मिल सकता है, साथ साथ जो सिचुएशन है क्वार्टर वन के रिजल्ट को जो इम्पैक्ट करेगा उससे भी आपको करेक्शन देखने मिल सकता है। तो हमारा जो रिकमेंडेशन होगा कि आप अभी इसे वेट एंड वॉच करें, अभी खरीदारी की जल्दी ना करें, जैसे इसमें और कोई करेक्शन आता है तो आप इसमें खरीद सकते हैं। आज देख सकते हैं 22 रुपये का तेजी था, 3.53% का, मतलब उम्मीद था बाजार का, ये एस्टिमेट था कि इसका रिजल्ट जो है एस्टिमेट को बीट करेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। जो TCS है उसका भी रिजल्ट फ्लेट आया था, लेकिन जो इन्फोसिस का रिजल्ट है वो अभी 3% डिग्रेड हुआ है पिछले क्वार्टर के तुलना में, मतलब जो दिसंबर क्वार्टर है उसके कंपेयर में। तो इस तरह से हो सकता है कि इन्फोसिस का जो शेयर है वो आपको नीचे जाता हुआ मिले, इसका जो प्राइस है नीचे जाता हुआ मिले, इसलिए आप इसमें थोड़ा अभी वेट एंड वॉच करें, इसके प्राइस को देखें, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो आईटी सेक्टर को मेजर इम्पैक्ट डाल सकता है, इसलिए इसके प्राइस में करेक्शन हो सकता है। तो बाकी आपका पैसा है, आप अपना रिसर्च करेंगे, आप खुद अपना डिसीजन लेंगे कि आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सिर्फ डिविडेंड के बेसिस पे आप इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि देख सकते हैं 20 रुपीज़ का अब प्राइस है, अभी इसमें करेक्शन होता है आपको
एक 50 रुपीज़ का करेक्शन, 20 रुपीज़ का करेक्शन, तो मात्र 9 रुपया 50 पैसे के लिए आप डिविडेंड के लिए इसमें इन्वेस्ट ना करें। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।